दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल 2019 में बहुत सारे फंक्शन है जो नए नए फंक्शन है वो लॉन्च किए हैं और सभी का यूज हम नहीं जानते। हमने पहले वीडियो में आपको चार फंक्शन बताए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट काफ़ी काम के दो फंक्शन मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास ऑफिस 2019 नहीं है तो हम ये क्यों चलाएं, ये हम कैसे यूज़ करें इनको। तो बहुत सिंपल है, यदि आपके पास ऑफिस 2019 नहीं है, एक्सेल 2019 नहीं चला पा रहे हैं तो हम किस प्रकार चलाएंगे, चलिए पहले वो देखते हैं। एक्सेल 2019 या वर्ड 2019 चलाने के लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर जो भी ब्राउज़र है आपके पास वो ओपन कीजिए और वहाँ पे टाइप कीजिए ऑफिस डॉट लाइव डॉट कॉम। ठीक है, सिर्फ ये टाइप करना है आपने। ये टाइप करने के बाद अपनी मेल आईडी से उसमें लॉगिन करिए और जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। मैं पहले ही इसमें लॉगिन हूँ, इसमें से आप देख रहे हैं आप आउटलुक, वन ड्राइव, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारी एप्लीकेशन वहाँ पे रन कर सकते हैं एज इट इज़, वैसे ही जैसे आप ऑफलाइन अपना एक्सेल या वर्ड यूज़ करते हैं। मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक्सेल सीट हमारे पास ओपन होगी। हमने उसके लिए न्यू ब्लैंक वर्कशीट चाहिए या फिर कोई टेम्पलेट्स चाहिए। देखो यहाँ भी हमारे पास टेम्पलेट्स आ रहे हैं ना, और घबराइए मत, ये एकदम लीगल प्रोसेस है और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लेटेस्ट वर्जन होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो यहाँ पे अपडेट मिलता है। मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया और एक ब्लैंक स्प्रेडशीट एक्सेल की हमारे पास यहाँ पे खुल के तैयार है। आप इसका पूरा लुक देख सकते हैं जैसा आप अपने ऑफलाइन चलाते हैं एक्सेल। ये 2019 का लुक है, नीचे तक वही एक सीट प्रोवाइड है, हम अलग अलग सीट्स भी ले सकते हैं, सारे ऑप्शन हमारे काम कर रहे हैं ना, सारे मीनू वहाँ पे काम करेंगे, सारे फंक्शन अवेलेबल होंगे यहाँ पे। जिस तरह की आप नई अगर टेबल यहाँ पे क्रिएट करना चाहें, अपना नया डाटा अगर आप एंटर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर अपनी कोई बनी हुई फाइल आपने पहले एक्सेल में बना के रखी हुई अपने कंप्यूटर में वो भी फाइल वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। पूरा जानने के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि इसको हम किस प्रकार यूज़ करेंगे, कैसे अपनी फाइल यहाँ पे अपलोड करेंगे या इस फाइल को शेयर कैसे करेंगे, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से आराम से वीडियो देख सकते हैं। तो इसके ज़रिए आप 2019 और उससे लेटेस्ट वर्जन जो भी अपग्रेड होंगे सारे यहां पे आराम से यूज़ कर सकते हैं, आपको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको ऑनलाइन भी चला सकते हैं लेकिन मेरे पास ये वर्जन है, फुल वर्जन है। अगर आपके पास ट्रायल वर्जन है तो इसको फुल वर्जन कैसे बनाए उसके लिए मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो ये दो दो फंक्शन है जो काम के फंक्शन है वो कौन से हैं और इनका क्या यूज है, तो चलिए सीखते हैं। ये वाली फाइल तो आपको ध्यान होगी दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था कि स्टूडेंट टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, जिसमें हमने टोटल निकालना, मार्क्स निकालना, रिजल्ट, ग्रेड और परसेंटेज भी बताया था। ठीक है, जिसमें हमने ग्रेड कुछ इस प्रकार निकाला था कि हमने इफ की स्टेटमेंट जहाँ पे लगाई थी वो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ फंक्शन को। इसमें हमने इफ की स्टेटमेंट दी थी कि इफ़ लेस देन 300, फिर से हमने इफ स्टार्ट किया था, फिर से हमने इफ स्टार्ट किया। अगर हमने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यूज़ करनी है, एक से ज़्यादा टेक्स्ट डालना है, तब हम बार बार इफ़ यूज करते थे। अब इस सबसे पीछा छूट गया, हम सिर्फ एक बार यूज़ करेंगे। 2019 ऑफिस में नया फंक्शन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है इफ्स। तो देखिए मैं हम कैसे यूज करेंगे, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इज इक्वल टू इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जब लॉजिक डालेंगे तो हमने लॉजिक लिया था ये वाला, हमने किया था लेस देन 300 देन सी ग्रेड इन्वर्टेड कॉमास बन और कॉमा। अब हमने क्या किया था यहाँ पे, फिर से हमने इफ की स्टेटमेंट शुरू करी थी, अब वो ज़रूरत नहीं है उसकी। अब हमने एक लॉजिक डाल दिया, अब दूसरा लॉजिक पूछ रहा है तो हम फिर से हम करेंगे इस पे क्लिक करेंगे, फिर से लेस देन 400, इस बार हम दे देते हैं बी ग्रेड कोमा, फिर तीसरा लॉजिक हम फिर से यूज कर लेंगे। इस प्रकार आप जितने भी लॉजिक वहाँ पे देना चाहें, इस बार मैं ए ग्रेड लेना चाह रहा हूँ 400 से ऊपर का, तो इसमें एल्स की कोई सुविधा नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं ग्रेटर देन कर देता हूँ, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 400 देन
ए ग्रेड ब्रैकेट वन, ठीक है, और एंटर यूज़ करूँगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं इसका साइज़ बढ़ा लूँ थोड़ा सा, हमारा सी ग्रेड आ गया यहाँ पे। इसको नीचे तक मैं खींच देता हूँ पकड़ के यहाँ से, ये लो, आप मैच कर सकते हैं अच्छी तरह से। हमने सेम वहाँ पे स्टेटमेंट डाली थी, इसलिए ग्रेड हमारे एज इट इज़ सेम टू सेम आएंगे, जबकि हमने बार बार यहाँ पे इफ़ का यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ इफ्स यूज़ किया, और यहाँ पे हमने बार बार इफ़ का यूज़ करना पड़ा, बार बार लॉजिक देने पड़े। ओके, एक तो हमारा ये बेटर यूज़ काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है, आपके बहुत काम आएगा। दूसरा एग्जाम्पल ये वाली टेबल में मैं यहाँ से सब कुछ क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, हम क्या करते थे, हमने मान लो कोई प्लान डाल के, प्लान नंबर हमने डाला और उस हिसाब से हमने प्लान चेक करनी है, या एज चेक करनी है, या उस प्लान नंबर का मिनिमम अमाउंट कितनी होगी, तो हम क्या यूज़ करते थे, वी लुकअप का फंक्शन यूज़ करते थे, है ना। और अगर हमने लेफ्ट में चेक करना है कि भाई NCMB प्लान है वो किसके लिए है, तो लेफ्ट से ये चाइल्ड प्लान है, या जीवन आनंद प्लान है ये यंग के लिए है, तो लेफ्ट का उठाने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, हमने यूज़ किया था इंडेक्स प्लस मैच का। अब एक ही फंक्शन दोनों काम करेगा यहाँ पे, वो है स्विच का फंक्शन। तो किस प्रकार करेंगे हम, यहाँ पे एक बार लगा कर देखते हैं। स्विच का इज इक्वल टू स्विच ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले एक्सप्रेशंस, जहाँ पे हमने लुकअप वैल्यू डालनी होती थी वो हम डाल देंगे एक्सप्रेशंस, ये वाला कॉमा यूज़ करेंगे। हमने उठाना है वैल्यू वन और उसका रिजल्ट, वैल्यू वन कौन सी, यहाँ पे प्लान नंबर डालना है हमने ये, उसका रिजल्ट ये, समझ में आया, यानी कि हमने वैल्यू वन कॉमा उसका रिजल्ट कॉमा, फिर कह रहा है वैल्यू टू कॉमा उसका रिजल्ट कॉमा वैल्यू थ्री कॉमा उसका रिजल्ट, हम ऐसे कॉमा यूज़ करते जाएंगे और उसका रिजल्ट वहाँ पे डालते चले जाएंगे, ये और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये फॉर्मूला नीचे तक ना जाए, इसलिए हम सब को इनको लॉक कर लेते हैं। तो इनको मैं एब्सोल्यूट वैल्यू बनाऊंगा, कहाँ से कहाँ तक डाले थे हमने वैल्यू और नंबर्स, यहाँ से और यहाँ तक, सभी को सिलेक्ट करेंगे एक साथ और F4 की यूज़ करेंगे अपने कीबोर्ड पे, तो सारे लॉक हो जाएंगे एक बार में, ठीक है, और एंटर यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर हमने एज चेक करनी है उसकी, या हमने मिनिमम अमाउंट चेक करनी है, तो हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, इज इक्वल टू स्विच ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एक्सप्रेशन में हम ये प्लान नंबर ही ले लेंगे, या फिर एक्सप्रेशन में ये भी ले सकते हैं, प्लान नंबर हमने डाल दिया तो हमारा प्लान नेम आएगा, प्लान नेम आएगा तो हमारी मैक्सिमम अमाउंट मिनिमम अमाउंट भी आएगी, तो कोई भी ले सकते हैं हम एक्सप्रेशन के अंदर, ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं। ओके, मैंने ये ले लिया, कोई बात नहीं है, कॉमा फिर से वही वैल्यू वन, हम ये ले रहे हैं तो वैल्यू वन हमारी ये हो जाएगी, कॉमा उसका रिजल्ट, रिजल्ट हमने ये लेना है, कॉमा ऐसे हम यहाँ भी डालते चले जाएंगे, कॉमा यूज़ करेंगे और डालते चले जाएंगे, हो गया। आखिर में वही ब्रैकेट बंद करेंगे और इनको भी हम एब्सोल्यूट बना देंगे, सभी को लॉक कर देंगे, F4 और एंटर यूज़ करेंगे। अब देखो हम यहाँ पे कोई भी प्लान नंबर यूज़ करते हैं, मैं डालता हूँ 3 नंबर, तो यह दे रहा है जीवन सरल है 3 नंबर प्लान, और उसकी मिनिमम जो अमाउंट है वो 250 रुपये मंथली है, यही है 3 नंबर पे जीवन सरल 250 रुपये मंथली। या फिर हम यूज़ करें 5 नंबर देखें, इस पर जीवन अक्षय है, बेशक से आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन चालू कर सकते हैं, वो डाटा वैलिडेशन से शुरू होता है हमारा, डाटा में जाएंगे और हम करेंगे वहाँ पे डाटा वैलिडेशन, वहाँ से हम ले लेंगे लिस्ट, और लिस्ट रेंज के अंदर हमारी लिस्ट आ जाएगी ये, ओके, ठीक है। अब यहाँ से आराम से आप 3 नंबर 1 नंबर चुन सकते हैं ना, वी लुकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ी हमको। और अब इंडेक्स मैच के लिए हम, अगर हमने लेफ्ट के उठाने हैं तो हम इंडेक्स मैच यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ उसकी भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसमें आएंगे और फिर से स्विच का यूज़ करेंगे, SWITCH ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एक्सप्रेशन के अंदर हमने फिर से यही डाल दिया, या फिर इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि एक वैल्यू अगर हमारी आ गई तो उससे हम एक्सप्रेशन ले करके दूसरी वैल्यू भी ले सकते हैं, कॉमा यूज़ करेंगे और हमारा नंबर ये वैल्यू हो गई, रिजल्ट ये लेना है हमने इस बार, फिर से कॉमा वैल्यू कॉमा रिजल्ट, ऐसे हम कॉमा डाल के
इस बार लेफ्ट का यूज़ कर लेंगे। आसान है ना। अभी देखते हैं इसको चला के, लास्ट में हमने ब्रैकेट बंद किया, वही इनको भी एब्सोल्यूट बना लेते हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, टेबल हमारी कहीं भी हो सकती है, कम रिकॉर्ड हो सकते हैं और हमने ज़्यादा लेना पड़ सकता है, तो एब्सोल्यूट बनाना भी मैं साथ साथ बता दे रहा हूँ और एंटर, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। एक नंबर चाइल्ड प्लान आ गया। अगर हम यहाँ से चुने 5 नंबर तो देखो अडल्ट प्लान है, जीवन अक्षय ये प्लान नेम है और इसकी मिनिमम वैल्यू 1000 है। तो इस टेबल को हम कहीं भी रखिए, हमारी टेबल कहीं छुपा भी सकते हैं और हम डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये भी अच्छा था दोस्तों, पसंद आया लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि और भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली नई टिप्स और ट्रिक्स तुरंत आपको मिल सकें। ओके फ्रेंड्स।